हाय फ्रेंड्स, मैं निलेश खोना, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉलेज विद नॉलेज में। हम दिन ब दिन देख रहे हैं, दुनिया बदल रही है। हमारे डे टू डे लाइफ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, अप्लायंसेस, इन सभी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ये सब संभव कैसे हो रहा है? उदाहरण के तौर पर टाइपराइटर की किटपिट से डिजिटल वायरलेस कीबोर्ड तक, रोटरी डाइट टेलीफोन से स्मार्टफोन में वीडियो कॉल्स तक, कंप्यूटर की शुरुआत से लैपटॉप और टैबलेट तक, दुनिया की पहली कार से फुल्ली ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस कार्स तक, ये सभी चेंजेस और बदलाव संभव हो पा रहे R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से, जिसकी एक महत्वपूर्ण वजह इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर बनाया, जर्नी ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1.0 to 4.0, जिसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से लेके IT इंडस्ट्री में अभी तक हुए इन्वेंशंस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1.0। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का कालखंड 1760 से 1850 तक का रहा है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत ब्रिटेन में हुई। उस समय टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ब्रिटिश मूल के थे। 18वीं शताब्दी तक ब्रिटेन दुनिया का लीडिंग कमर्शियल नेशन बन गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों के माध्यम से डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड और बिजनेस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के प्रमुख कारणों में से एक थे। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को मैकेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है, जिसमें हाथ से बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स को मशीन का उपयोग करके बनाने की शुरुआत हुई। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के माध्यम से सर्वप्रथम मशीन का उपयोग करना शुरू हुआ था। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के शुरुआत से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ने एक नए ट्रांसफॉर्मेशन को जन्म दिया। इस ट्रांसफॉर्मेशन में हैंड प्रोडक्शन मेथड्स से मशीन्स, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, आयरन प्रोडक्शन, स्टीम पावर और वाटर पावर का इस्तेमाल बढ़ना और नए मशीन टूल्स का निर्माण करना शामिल है। कुछ महत्वपूर्ण इन्वेंशंस की बात करें तो नंबर 1, स्पिनिंग जेनी, जो 1764 में जेम्स हारग्रीव्स द्वारा आविष्कार किया गया, जो वूल और कॉटन की कटाई का इंजन था, जिसे उन्होंने 1770 में पेटेंट कराया था। नंबर 2, वेट स्टीम इंजन। स्कॉटिश इंजीनियर जेम्स वेट ने 1763 में पहला प्रैक्टिकल स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। नंबर 3, द लोकोमोटिव। 21 फरवरी 1804 को पहली रिकॉर्डेड स्टीम रेलवे यात्रा हुई, जिसमें 10 टन लोहा और कुछ आदमियों को लेकर 9.75 मील्स की यात्रा कराई गई। इस यात्रा की औसत गति थी 2.4 मील प्रति घंटे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2.0। सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का कालखंड करीब करीब 1860 से 1914 तक का रहा है, जो तेजी से स्टैंडर्डाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था। इंडस्ट्री 2.0 की बात करें तो ज्यादातर इंडस्ट्री 1.0 के आइडियाज और इन्वेंशंस पर न्यू डेवलपमेंट किया गया और न्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को इलेक्ट्रिफिकेशन के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें वाटर और स्टीम बेस्ड मशीन्स की जगह इलेक्ट्रिकल मशीन्स का उपयोग बढ़ने लगा, जो लो कॉस्ट और इफिशियंट थी। इस समय में कुछ महत्वपूर्ण इन्वेंशंस भी हुए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक लाइट, ऑटोमेटिक सिग्नल्स, टेलीफोन, टाइपराइटर और नकल कपलर्स, जो ट्रेन कोचेस को ज्वाइन करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस ही समय में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जन्म हुआ, जब कार्ल बेंज द्वारा 1885 में दुनिया की पहली ऑटोमोबाइल का आविष्कार किया गया। स्टीम टर्बाइन भी एक महत्वपूर्ण इन्वेंशन था, जो 1884 में सर चार्ल्स पार्सन द्वारा विकसित किया गया, जिसे डायनामो से कनेक्ट करके 7.5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की गई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3.0। थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को डिजिटल रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्यांतर से हुई। इस रिवॉल्यूशन के दौरान कई सारे इन्वेंशंस हुए, जिसने एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इन्वेंशंस थे कंप्यूटर, सेल्युलर फोन्स, इंटरनेट, इंटीग्रेटेड चिप्स, माइक्रोप्रोसेसर्स एक्सेट्रा। इस रिवॉल्यूशन के दौरान PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर एक ऐतिहासिक इन्वेंशन था, जो 1960 के दशक में बनाया गया, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोग्राम सेट करके मशीन्स को ऑटोमेटेड और मैन्युअली ऑपरेटेड किया जा सके। जिसका सबसे बढ़िया उदाहरण है NC न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, जिसमें मशीन टूल्स का ऑटोमेशन किया गया, जिसे हम आज CNC मशीन के रूप में जानते हैं। इसकी शुरुआत 1950 के दशक से हुई, जब 1952 में रिचर्ड केग ने MIT के साथ कोलेब्रेशन करके दुनिया की पहली CNC मिलिंग मशीन का आविष्कार किया। इंटरनेट का आविष्कार अर्पानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क द्वारा 1969 में इंटरनेट के माध्यम से प्रथम मैसेज सेंड करके किया गया। इसके बाद 1989 में टीम बर्नर्स-ली ने WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0।
फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक सामूहिक शब्द है जो ऑटोमेशन, डेटा एक्सचेंज और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज को कंबाइन करता है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का वाक्यांश पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चेयरमैन क्लॉस श्वाब द्वारा पेश किया गया था। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में कई सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज शामिल है जिसकी कुछ झलक हम आज देख भी रहे हैं, जैसे रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, IoT, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वायरलेस टेक्नोलॉजीज, 3D प्रिंटिंग, फुल्ली ऑटोमेटेड व्हीकल्स, 3D स्कैनिंग एक्सेट्रा। इंडस्ट्री 4.0 में मशीन्स को होशियार बनाने के लिए इंडस्ट्रीज में अलग अलग प्रोसेसेस के लिए मशीन्स को इंटेलिजेंट, स्मार्ट और सेल्फ डिसीजन ले सके, इसलिए CPS साइबर फिजिकल सिस्टम्स का उपयोग कर रहे हैं। इन सभी के अलावा AR एंड VR, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी भी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक महत्वपूर्ण अंग है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में रोबोटिक्स भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जो भविष्य में इंसानों की जगह लेने के लिए तैयार है, जो स्पेशली लो स्किल प्रोसेस जॉब्स को ऑटोमेट वर्क प्रोसेस में कन्वर्ट कर रही है पूरे दुनिया में। अभी तो शुरुआत है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, और हमने देखा सोफिया ह्यूमेनॉइड रोबोट जो एक सऊदी अरब नागरिक बन गई है, जो किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त करने वाला पहला रोबोट था। Oh, good afternoon. My name is Sophia and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Thank you for having me here. Awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot. Oh, I would like to thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. This is historical to be the first robot in the world to be recognized with a citizenship. यकीनन अब वो दिन भी दूर नहीं जब हम हमारे डे टू डे लाइफ में रोबोट्स के जरिए सभी काम करवाएंगे, और कहीं बाहर जाने के लिए टैक्सी की जगह फुल्ली ऑटोमेटेड और ड्राइवरलेस कार्स का उपयोग करें। तो ये थी जर्नी ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1.0 टू 4.0। जैसे जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स और इन्वेंशंस होते गए, वैसे वैसे ट्रांसफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजीज के आधार पर इंडस्ट्रीज चेंज होती गई। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमेशा की तरह अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे YouTube चैनल कॉलेज विद नॉलेज पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गई नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें, जिससे आपको मेरे नए वीडियोज की अपडेट्स लगातार मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, थैंक यू। We'll be right back.